बटन दबा दें ताकि मेरी आने वाली मजीद वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया जी नजरान। जैसा कि आपको जर नज़र तस्वीर में मेरी पैकिंग का सामान नज़र आ रहा है और आपको मालूम है कि मेरा यूरोप टूर स्टार्ट होने वाला है और आप भी इसके साथ सैर करेंगे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं दिलनवाज़ फैसल और आप देख रहे हैं अदर इन्फो टीवी। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मेरी जो प्लान बन रहा है वो यूरोप ट्रिप का बन रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा तुर्की का शहर और यूरोप के मुख्तलिफ शहरों की सैर करवाइएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और अभी जैसा कि आपको नजर आ रहा है मैं अपना सामान पैक कर रहा हूँ और एक मेरा बैग तैयार हो चुका है और दूसरा बैग अभी खाली है। इसमें मैं अपने काम की चीजें भी डालूंगा, कपड़े डालने रहने हैं और जो कि हमारी मीडिया के फील्ड के जो स्टैंड वगैरह है, लाइट्स हैं, वो भी डालने बाकी हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे साथ जुड़े रहिएगा और दिखाऊंगा कि आपको इस्लामाबाद एयरपोर्ट के नज़ारे भी और उसके बाद तुर्की एयरपोर्ट। अल्लाह हाफिज़। जी नाज़रीन, मेरे हो गया है सामान पैक और इंशाल्लाह मैं निकलूंगा अपनी फ्लाइट के लिए बहुत जल्द और आपको दिखाऊंगा इस्लामाबाद। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि मैं जा रहा हूँ यूरोप के टूर पे और रवानगी के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अभी टाइम हो गया है सुबह के 3:30 और 6:30 बजे मेरी फ्लाइट है। नेक्स्ट आपको बताते हैं, रास्ते में मुझे दीजिए इजाज़त। घर से निकलते हुए वालदैन की दुआओं के साथ अलविदा कर रहे हैं मेरे वालद, मेरे वालदा, हमारे ड्राइवर अंकल और दीगर घर के अहलकार मुझे अलविदा करने के लिए दुआ की है और मिल रहे हैं वालदैन। जी अदर इन्फो टीवी के नाज़रीन, जैसे कि ज़ेर नज़र तस्वीर में मेरी गाड़ी रवानगी के लिए तैयार है और मेरा सामान अंकल रख चुके हैं गाड़ी में और हम अब निकलने लगे हैं एयरपोर्ट की तरफ। सर इन्फो टीवी के तमाम नाज़रीन को दिलनवाज़ फैसल का सलाम। जी हम रवानगी के लिए तैयार है और हमारी गाड़ी आ चुकी है और आप इस वक्त व्यू भी देख सकते हो हमारे शहर का, मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बरकी कमकमों से सजाया गया है। तो इंशाल्लाह आगे जाते हैं और आपको एयरपोर्ट की सैर करवाते हैं। हमारे शहर कलर सीधा किया आप रोन के देख लीजिए, मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाले से। जी हम एयरपोर्ट की तरफ रवाना हैं और मेरे साथ मौजूद है जी फैसल भाई भी। फैसल भाई किधर जा रहे हैं जी? एयरपोर्ट जा रहे हैं जी, आज अपने भाई को ड्रॉप करने के लिए जी। हाँ जी, देखे जी इन्होंने भी आपको बता दिया मुझे ड्रॉप करने के लिए जा रहे हैं। तो एयरपोर्ट पहुँच के आपको दिखाते हैं एयरपोर्ट के रंग और रावलपिंडी से गुजरेंगे सदर के इलाके से, सदर की भी आपको सैर करवाएंगे। हमारे साथ ये हमारे अंकल भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ अंकल भी हमारे साथ जा रहे हैं जी हमें ड्रॉप करने के लिए। इंशाल्लाह हम अपने सर जी को ड्रॉप करने जा रहे हैं, दुआ करें अल्लाह खैरियत से दे जाए। आमीन। जी हम जिस घर से निकले तो बारिश ने हमारा अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया और तकरीबन सारे रास्ते में हमें बारिश महसूस करती रही और जो हमें आगे यूरोप में मौसम पेश आएगा उसका प्राइस ने पाकिस्तान में ही कर दिया। जैसे कि आप देखते हैं ये आपको नजर आ रहे हैं, हम गीगा माल जो कि मशहूर माल है इस्लामाबाद को उसके पास से गुजरे और अभी ये रावलपिंडी सदर यही ऑफिस और उसके साथ हॉस्पिटल आके एमएच हॉस्पिटल आपको नज़र आएगा, ये उसके नज़ारे हैं। ज़ेर नज़र तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हम इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं और ये जो मोदी ने इंडिया पर कब्ज़ा किया हुआ है उसकी यहाँ पे आज 94 दिन हो गए हैं, उसका मजम्मत कर रहे हैं और ये रवानगी और रावल और पार्किंग के बोर्ड्स आपको नज़र आए क्योंकि हम पहले ही अपने वक्त से लेट हो चुके हैं और हम ट्रैक जाएंगे ड्रॉप लाइन की तरफ क्योंकि पार्किंग में अगर जाएँ तो हमारा मज़ीद टाइम ज़ाया हो जाएगा। जी हम पहुँच आए जी इस्लामाबाद एयरपोर्ट। इस वक्त मेरी बोर्डिंग जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे तुर्की का इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की तमाम।